So today we will talk about some numerical related to the average. So it's a very simple topic. तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत सिंपल आने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिसने भी अभी तक असाइनमेंट जो है प्रैक्टिस सीट के जो सॉल्यूशन अभी तक सबमिट नहीं किए हैं वो आज आप सबमिट कर सकते हो. इसके बाद में आपके जो मार्क्स जो है आगे आपको आगे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है. इसके बाद में अगर कोई करता है तो इसका सबमिट नहीं माना जाएगा. तो अगर किसी को सबमिट करना है तो आज की डेट में आप कर दे, ठीक है. अब एवरेज पे चलते हैं. तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इफ वी टेक एवरेज ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटी, सो एवरेज इज डिफाइंड एज सम ऑफ क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज. दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग आउट द एवरेज. तो यहाँ पर आप किसी नंबर का या किसी टू दो या दो से ज्यादा नंबर का आप एवरेज निकालना चाह रहे हो तो उनका आप सम कर सकते हो और जितनी आपके पास क्वांटिटीज हैं उनको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज फाइंड होगा, राइट. दिस इज द फॉर्मूला. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 59, ठीक है. एंड इफ एवरेज ऑफ थर्ड नंबर इज 47 तो व्हाट विल बी द फोर्थ नंबर, राइट. तो देर आर फोर नंबर, वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ. आपको जो एवरेज दे रखा है टोटल फोर्थ का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 59, राइट. देन अगेन थ्री नंबर, अब थ्री नंबर कोई भी हो सकता है, सपोज ये थ्री नंबर है, इनका एवरेज आपको दे रखा है 47, राइट. देन फाइंडिंग आउट द फोर नंबर. अगर मैं इसको फोर से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल सम हो जाएगा, तो थ्री से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल सम हो जाएगा, राइट. अब मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इसमें से अगर माइनस करता हूँ तो आपके पास फोर्थ नंबर आ जाएगा, राइट. तो फोर्थ नंबर इज इक्वल टू 59 इंटू फोर माइनस 47 इंटू थ्री, आपके पास फोर्थ नंबर आ जाएगा. 59 इंटू फोर कितना हो गया, 240 माइनस फोर 236 एंड 47 माइनस थ्री 141. तो ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 95, ये आपके पास 95 है. तो इसमें मैंने क्या किया है, अगर आपके पास फोर नंबर का एवरेज 59 है दैट मीन टोटल सम क्या होगा, 59 इंटू फोर. अगर आपके पास तीन नंबर्स का एवरेज 47 है देन वी कैन मल्टीप्लाई विथ थ्री, राइट. और आपको फोर्थ नंबर पूछा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में अगर ये माइनस कर देता हूँ तो आपको क्या नंबर फाइंड होगा, फोर्थ नंबर या फिर जो भी नंबर आपने अज्यूम किया है, ठीक है, वो नंबर आपके पास फाइंड होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई ऑन 30th of September इज 26.2 डिग्री सेल्सियस. देर आर फोर सिटीज, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता एंड चेन्नई, उनका जो एवरेज टेम्परेचर आपको दे रखा है दैट इज 26.2 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली मुंबई एंड कोलकाता वॉज 25 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेम डे, ठीक है, इसी 30th of September की बात कर रहा है. इसका मतलब इनका जो एवरेज है, देर आर फोर सिटीज, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता एंड चेन्नई, देर आर फोर सिटीज, तो इनका जो एवरेज है मीन्स डिवाइड बाई फोर, यही होगा कितना दे रखा आपको, 26.2, ये आपको एवरेज दे रखा है, ठीक है. इसको मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल सम इक्वल टू 26.2 इंटू फोर, ठीक है. एंड द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली मुंबई एंड कोलकाता वाज 25, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिल्ली बॉम्बे एंड कोलकाता, ये देर आर थ्री क्वान्टिटीज तो यू कैन मल्टीप्लाई विथ थ्री, ठीक है. तो अगर आपको किसका पूछा है, चेन्नई का टेम्परेचर पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें माइनस कर सकते हो, तो माइनस करोगे आपको तो चेन्नई का टेम्परेचर मिल जाएगा. तो 26.2 इंटू फोर कितना हो जाएगा, 25 इंटू फोर 100 और 1.2 इंटू फोर दैट इज 4.8, ये आ जाएगा आपके पास. और 25 इंटू थ्री कितना आ जाएगा, 75. तो इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 29.8.
डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब चेन्नई का जो टेम्परेचर है कितने का 29.8 डिग्री सेल्सियस, राइट। और अगर आपको 236, 141 क्या है, अच्छा आपने लास्ट वाला बताया, अगर आपको डायरेक्टली करना है, ये तो आपके पास सिंपल मेथड है डायरेक्टली करना, तो डायरेक्टली आप समझिए कि किस तरीके से आपके पास सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, सिर्फ चेन्नई का आ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज इनका चार मेरे पास सिटीज हैं, चारों सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो 25 होता, ठीक है 25 होता, कि डिफरेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, सिर्फ और सिर्फ कितना डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर में उसकी बात करूँ, तो मैं सिर्फ डिफरेंस की बात करूँ, ठीक है। तो एक तो आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है 25 ऐड हो गया, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस अगर होता तो 25, एक तो 25 का डिफरेंस तो आ ही रहा है, क्योंकि 25 अगर रहता तो एक सिटी आपके पास कम है तो 25 तो आ ही रहा है, ठीक है। और प्लस कितना एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, तो एवरेज में डिफरेंस है 26.2 एंड 25, कितने का डिफरेंस है 1.2 का। और कितने सिटीज थे पहले, चार सिटीज थे, उनमें डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.2 इंटू 4, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो 29.8। दोबारा मैं बता देता हूँ कि आपको सिर्फ एक सिटीज का डिफरेंस देखना है, ठीक है। दो तरह के डिफरेंस आ रहे हैं, एक तो किस में आ रहा है, एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, और एक चेन्नई का खुद का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो चेन्नई का डिफरेंस कितना है, 25 तो ऑलरेडी है, 25 का तो आपके पास एक डिफरेंस आ गया, एक आपका एवरेज में डिफरेंस आ रहा है 26.2 से 25, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1.2 का, और कितने सिटीज हैं, 4 सिटीज है, तो 1.2 इंटू 4 कितना हो गया 4.8, राइट। तो डायरेक्टली भी आप 29.8 भी आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड मेथड। इसमें किसी को डाउट है, क्वेश्चन, एवरेज हाइट ऑफ 40 गर्ल्स इज 140 सेंटीमीटर, एवरेज हाइट आपको दे रखी है, नंबर कितने हैं 40 गर्ल्स, राइट। एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स इज 150, अब मुझे नहीं पता कि रिमेनिंग गर्ल्स कितनी है, नंबर नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ टोटल क्लास इफ देयर आर 50 गर्ल्स, तो आपको नंबर भी दे दिया, कितना दे दिया 50, इसका मतलब 40 गर्ल्स की 140 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रिमेनिंग गर्ल्स कितनी होगी 10 होगी, और 10 की आप हाइट कितनी दे रखी है 150, तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ टोटल क्लास, ठीक है। टोटल क्लास का आपको एवरेज पूछ रखा है, ठीक है। तो टोटल क्लास का आपको एवरेज पूछ रखा है, तो आप सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज 40, नंबर 40 है, ठीक है, 148 उसकी हाइट है, ठीक है, ये आपके पास टोटल सम हो गया, प्लस रिमेनिंग गर्ल्स कितनी है 10 है, एवरेज हाइट इनकी कितनी है 150, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द क्वांटिटीज, राइट। देन द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 40 प्लस 10 टोटल 50 है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया सबका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे 148 को 4 से, तो कितना आ जाएगा 259, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 150/5, इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 247/5, तो ये आ जाएगा 148.4, आपके सामने आंसर आ जाएगा 148.4, बिल्कुल बनती सही, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने अगर आपके पास डिफरेंट, यहाँ पर क्वांटिटीज आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज के लिए, n1 a1 + n2 a2 / n1 + n, यूर n1 and n2 आर द नंबर्स या द क्वांटिटी, और दिस इज द एवरेज ऑफ क्वांटिटी फॉर n1, एवरेज ऑफ क्वांटिटी फॉर n2, राइट। इसी तरह से n1 a3 और n4 a4 आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज ऑफ डिफरेंट नंबर, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में आगे चलते हैं, द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 45, आपको एवरेज दे रखा है 40 नंबर्स का कितना है 45, इफ 4 नंबर्स आर, अब 40 में से आपको ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनको आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब
अब मेरे पास कितने क्वांटिटीज बच गए, 40 थे, अब आपने एफ चार रिमूव कर दिए तो कितने बच गए, अब क्वांटिटीज में आपके 36 आपके माइनस हो रहे हैं, और जब क्वांटिटीज आपके माइनस हो रहा है तो आप क्या करोगे, टोटल में से इसको माइनस कर दो, राइट। तो 40 इंटू टोटल सम माइनस इनका चारों का सम, चारों का सम आप देख लो कितना आ रहा है, 1893 12 टू 14 4 145 38 311 एंड 314 तो 144 इस पे से माइनस कर दो। अब क्वांटिटीज आपके पास 40 नहीं रही है, अब आपके पास क्वांटिटीज आपके पास कम होगी, ठीक है, कितनी कम होगी, चार कम होगी, कितना आ जाएगा 36, तो ये आपके पास आएगा 45 इंटू 4 1800 माइनस 144 डिवाइड बाई 36, इसको सोल्व कर लीजिए, 6 5 17 16 36, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आप देख लीजिए चार से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 9 4 1 4, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 4 36 एंड 6 46, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 46। तो 46 इज द न्यू एवरेज, ठीक है, आपको रिमूव करने के बाद में जो एवरेज आएगा दैट इज 46। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड क्या है कि आपके पास चार नंबर कम हुए ये तो आपको पता है, चार नंबर का सम कितना हुआ है 144, इसका मतलब इनका एवरेज कितना कम हुआ है, चार नंबर का एवरेज मतलब इनका एवरेज कितना है, चार थे वन मिनट 3 12 and 6 36, कितना एवरेज कम, कितना एवरेज हुआ है 36, राइट, 36 आपके पास नंबर है, तो 36 में से आपके पास चार एवरेज कम हुआ है, तो आप इसमें से सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हो, 36 and 4, सेकेंड मेथड नहीं लगेगा इसमें, सेकेंड मेथड इस बार आएगा, ये वाला मेथड ही आप कर लो, इसमें कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 9 चिल्ड्रन इज 12 इयर्स, ठीक है, 9 चिल्ड्रन का जो एवरेज आपको दे रखा है 12 इयर्स, 2 बॉयज ऑफ 8 इयर्स एंड 2 इयर्स ऑफ एज, तो यहां पर आपके दो यहां पर कैंडिडेट एड हो रहे हैं, ठीक है, लीव द ग्रुप, सॉरी एड नहीं हो रहे, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, दो कैंडिडेट यहां से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग बॉयज आफ्टर 3 इयर्स, तो सिंपल सा है, टोटल सम आपका कितना हो जाएगा 9 to 12, नंबर कितना था 9 था, तो यहाँ पर रिमूव है, दोनों का आप सम कर दो 8 + 2 कितना आ जाएगा 10, तो अब टोटल क्वांटिटीज आपके पास 9 थी, अब आपके पास कितनी होगी 7, तो कितना एवरेज हो गया आपके पास 12 9 108 108 में से आप माइनस करोगे 10 98 98 upon 7 04, बट ये एवरेज कब पूछ रहा है आफ्टर 3 इयर्स, और ये आप कॉन्सेप्ट बना के चलो कि अगर सपोज किसी पर्सन के एवरेज जो हैं आज अगर मान लो 3 साल या 4 साल पहले थे तो आज भी उनका एवरेज वही होगा, अगर आपने किसी भी छेड़छाड़ अगर उसको आपने नंबर्स को आपने कम ज़्यादा नहीं किया है तो एवरेज भी वो होगा, ये हर पर्सन में उतना ही जो है आपके पास ये जो एड होगा, राइट, तो उसको 3 से आप डिवाइड करोगे या जितने नंबर से आप डिवाइड करोगे तो वही आपके पास एवरेज आएगा, तो आफ्टर 4 ईयर जो एवरेज होगा उसमें आपके पास जितनी क्वांटिटी है उसको आपको सिंपली ऐड कर देना, तो यहाँ 14 है प्लस 3 कितना है 17, तो डायरेक्टली आपको जितनी क्वांटिटी आपके पास ईयर्स है उतना एवरेज रहेगा और उसमें आपको 3 ऐड कर देना, ठीक है, कितना हो जाएगा 17, तो आपके पास यहाँ पे आंसर होगा 17, अगर बिफोर पूछ रखा होता तो मैं क्या लिखता 14, ठीक है, करंट पूछ रखा होता तो मुझे 14 लिखना पड़ता, आफ्टर पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 12 मैन इज 56 इयर्स, ठीक है, 12 मैन के लिए आपको एरिया दे रखा 56 इयर्स, 2 मेंबर्स ऑफ 60 इयर्स एंड 52 इयर्स टाइम, ठीक है,
दो यहाँ पे रिमूव हो गए, दैट मीन आपके पास मेंबर कितने बच गए, 10 मेंबर्स हो गए, राइट। सो 12 इंटू 56, 12 इंटू 56, ठीक है, ये आपके पास मेंबर हो गए, एंड 12 इंटू 56 माइनस कितना कम हुआ है, 112, राइट, एंड टोटल नंबर कितने आ गए, 10, राइट। तो 12 को आप 56 से मल्टीप्लाई करोगे, 2767, 112 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया यहाँ पे, 560 डिवाइड बाई 10 कितना आंसर आएगा, 56। तो 56 इनका एवरेज होगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड मेथड, देखो सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो दो मेंबर हैं, दो मेंबर रिमूव हुए हैं, इनका जो सम कितना आ रहा है, 60 और 52, 112, तो इनका एवरेज देखो कितना आ रहा है, 56। तो ऑलरेडी 56 था और आपने रिमूव किया 56 का एवरेज, ऑलरेडी 56 का एवरेज है, 56 का एवरेज रिमूव कर दिया, तो कोई एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप 56 पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपका जो एवरेज था वो 56 था, और आप जो दो मेंबर्स पे या तीन दो मेंबर्स को यहाँ पे रिमूव कर रहे हो, उनका एवरेज भी 56 है। तो अगर 56 के एवरेज में से अगर 56 का एवरेज अगर माइनस करते हो, तो आपके पास एवरेज जो है 56 ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड आप कर सकते हो, आपके पास जो 56 है आपके पास 56 ही रहेगा, ठीक है, नो चेंज इन एवरेज। Any doubt? Next is average age of 24 student is 32. 24 students के लिए average 32 है. If weight increases by 2 kg when a teacher join. अब मान लो कि 24 student थे और एक टीचर मैंने ऐड कर दिया, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 24, ये नंबर हो गए, ठीक है। अब इनका जो एवरेज है वो 2 केजी से इंप्रूव हो गया, इसका मतलब 25 का जो एवरेज है कितना है, 32 प्लस 2, एक कैंडिडेट के एक ऐड होने से आपके पास एवरेज जो है वो 2 केजी इंप्रूव हो गया। तो पहले 32 था, तो कितना हो जाएगा, 34। फाइंड व्हाट विल बी द वेट ऑफ टीचर, तो सिंपली आपको माइनस करना है, तो 25 इंटू ये आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहाँ पे नंबर कितना है, 25, एवरेज 34 माइनस स्टार्टिंग में कितना था, 24 स्टूडेंट्स, एवरेज कितना था, 32, इसको आप माइनस करोगे, 24 इसको 25 मतलब 1/4, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 850, और 24 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 आ गया, 472 कितना हो जाएगा, 76, तो 76 हो गया, ठीक है। तो माइनस कर लो कितना आ जाएगा, 282, ठीक है, 82 आपके पास आंसर आएगा, 82 द वेट ऑफ टीचर। सेकेंड मेथड देखिए, अब देखो यहाँ पर सोचने की सिंपल सी बात है, जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, जो वेट एक्स्ट्रा अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड जो ऐड कर, तो एक तो उनका जो एवरेज था 32, 24 स्टूडेंट्स का, वो तो फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, एवरेज हाइट तो आपके पास इंक्रीज हो ही रही है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसका मतलब अगर मैं टीचर के वेट की बात करूं, तो एक आपके पास 32 केजी तो सबका था, इसका मतलब 32 टीचर का भी होगा, क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं, एक आप इम्प्रूव भी कर रहे हो, ठीक है। एंड इसमें अपन कितना ऐड करेंगे, कितना यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है वेट, अब अपन एवरेज की बात कर रहे हैं, कितना एवरेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि टोटल कैंडिडेट कितने थे, 24, इंक्रीज कितना हुआ, 25। अब आपके पास 25 कैंडिडेट हो गए और 2 केजी आपके पास इंप्रूव हो रहा है, तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, 50 का, तो यहाँ देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का रहा। तो दिस इज द डिफरेंस, कितना इंक्रीज हो रहा है, राइट, डिफरेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, और ये ऑलरेडी जो है एवरेज जो है वेट जो आपका जो इंक्रीज हो रहा था, राइट, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 80। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो एवरेज एज का जो वेट था, एवरेज एज मैंने 32 कैसे लिखा है, इसको एवरेज एज मत करो, इसको वेट करो, एज तो कभी केजी में होता ही नहीं है, यहाँ पे एज की जगह वेट होना चाहिए,
ये वेट होगा, ये एज तो ईयर में होगा ना, ये वेट की बात कर रहे हैं, करेक्शन कर लेना, यहाँ पर वेट होगा, ठीक है, ये वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज जो वेट जो है वो 32 kg, ठीक है, 80 आंसर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर 32 kg है, राइट। तो इसका मतलब टीचर का जो 32 तो इम्प्रूव हो ही रहा है, मतलब एवरेज तो आपके पास 32 इम्प्रूव हो रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, कितने पे क्रिएट कर रहा है, 25 पे, राइट, क्योंकि अब 25 हो गए, तो 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो 50 + 32 आंसर क्या होगा, 80, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो, क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ कपल बिफोर 4 ईयर, ये 4 ईयर पहले की बात कर, एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वॉज 27 ईयर, मतलब मैरिज के टाइम पर उनका एवरेज कितना था, 27 ईयर, राइट। तो नाउ द एवरेज एज ऑफ द कपल इंक्लूडिंग देयर न्यू बोर्न बेबी इज 21 ईयर्स। अब इसमें क्या है, आपका एक मेंबर आपके पास इंक्लूड हो गया, पहले कितने मेंबर थे, 2 मेंबर थे, तो आपके पास 3 मेंबर हो गए, राइट। अब 3 मेंबर का एवरेज दे रखा आपको 21, राइट। तो इसके पूछा है कि बेबी का एवरेज क्या होगा, तो बेबी की परसेंटेज क्या होगी, तो बेबी की पहले अपन एज निकाल लेते हैं 4 साल पहले, ठीक है, या फिर परसेंटेज अपन निकाल लेते हैं, परसेंटेज, राइट। तो अब यहाँ पर देखना कि आपके पास जो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल कितना था, 21। अब 21 कितनों के लिए, 3 मेंबर्स के लिए, कि एक मेंबर आपके पास इंक्रीज हो गया, 21 × 3 माइनस, अब आपके पास जो है स्टार्टिंग कितने, स्टार्टिंग का देखना है, स्टार्टिंग का कितना है, 27 ईयर्स, राइट। तो 27 ईयर्स आपके पास एट द टाइम ऑफ मैरिज वर 27 ईयर्स। अब मेंबर कितने हैं, 2 मेंबर, राइट, 2 मेंबर, राइट। बट ये जो एवरेज जो है वो प्रेजेंट का है, बट ये जो एवरेज जो है 4 साल पहले का है, इसका मतलब 4 साल पहले का जो 2 का एवरेज 27 था, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात करें, ये तो अपन ने निकाला है प्रेजेंट का, इसको समझना अच्छे से, ये एवरेज ये प्रेजेंट का नहीं है, ये एवरेज है 4 साल पहले का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भी एवरेज प्रेजेंट का निकालना पड़ेगा। तो अगर 4 साल पहले जो 27 जो है, अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, तो परसेंटेज क्या होगी, 27 + एवरेज 4 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर क्या होगा, 31 आएगा, ना कि 27, क्योंकि तो मुझे प्रेजेंट निकालना है। अब मेंबर्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 21 × 3 = 63 - 62, इसका मतलब एज कितनी होगी, 1 ईयर, तो आंसर इज 1 ईयर। एनी डाउट, टू ईयर आंसर नहीं आएगा, देखो इसको वापिस समझाता हूं मैं, कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि 4 साल पहले आपको एज दे रखा है 2 मेंबर का, ठीक है, कितना है, 27 है, और इसमें एक मेंबर आपके पास ऐड हो रहा है और आपके पास एज दे रखी है 21 ईयर, राइट। अब उसके बाद में जो 21 ईयर है वो प्रेजेंट एज है, राइट, तो 21 × 3 आ गया 3 मेंबर के साथ, बट यहाँ पर मैं -27 × 2 नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कि 4 साल पहले की, तो अगर 4 साल बाद की अपन बात करें, इसका मतलब 4 से वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन में भी बताया भी था, कि अगर मैं 4 साल या फिर पर्टिकुलर ईयर बाद में अगर बात करता हूँ, इसका मतलब उनका जो एवरेज है उस पर्टिकुलर ईयर से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो 4 साल पहले की बात करता हूँ, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस में इनका एवरेज है 27, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो 31 हो गया, तो 31 × 2 आपके पास बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इंक्रीजेज बाई 3.5 kg, कितना है, 3.5 kg, व्हेन ए मैन ऑफ 50 kg इज रिप्लेस बाई ए न्यू मैन। अब देखो इसने क्या करा है, कि 50 kg को रिमूव किया है और एक नया आदमी को लाया, दैट मीन्स यहाँ पर कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है, नंबर सेम है, इसका मतलब 10 मैन थे, एक आपने कम किया और एक आपने इंक्रीज कर दिया, तो नंबर तो मेरे पास इतने रहे, ठीक रहे, ठीक है। तो 50 kg का मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस करो किसी नए मैन से, राइट, एंड वॉट इज द एज ऑफ मी मैन,
तो आप सिंपल आप डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, एक तो 10 मेन इंक्रीज कर रहे हैं, 3.5 से वेट आपका इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द एवरेज वेट, तो एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है 3.5 से 10 मेन पे, तो कितना इंक्रीज हो गया, डिफरेंस कितना आ गया 3.5 × 10, ठीक है, ये आपके पास इंक्रीज हो गया, और 50 मेन इज रिप्लेस्ड बाई न्यू मेन, तो एक मेन से आपका 50 मेन यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब कितना इफेक्ट हो गया 80, सिंपल सा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है कॉमन सेंस कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 मेन का इंक्रीज हो रहा है 3.5 के जी से, अगर मैं एक दूसरे को रिप्लेस करूँ, दैट मीन्स आपका सीधा सीधा डिफरेंस जो है 35 के जी का तो आ ही गया, ठीक है, 10 × 35 का, बट यहाँ पर मैं क्योंकि 35 का क्यों बोल रहा हूँ कि एवरेज, अब आप ये सोच रहे हो कि जिस पर्टिकुलर मेन को रिप्लेस कर रहे हैं उसका वेट भी तो माइनस करना चाहिए था, देखो यहाँ माइनस तब करते हैं तब यहाँ पर आपको इनकी जो नंबर जो है वो अगर एक कम होता या नंबर कम नहीं हो रहा है, ऑलरेडी जो न्यू मेन का जो वेट है इस एवरेज वेन में काउंट हो चुका है ऑलरेडी, तो यह माइनस नहीं होगा, ये समझने की जरूरत है कि जो न्यू मेन अगर न्यू मेन की जगह सपोज जिसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसका वेट यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि एवरेज वेट में ये काउंट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है 50 केजी को ऐड करो, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 35 का चेंज हुआ एंड 50 का आपके पास एक्स्ट्रा मेन ऐड हुआ तो कितना हो गया 85, तो आंसर क्या होगा 85। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज There are 40 boys in a class. Number आपको दे रखा 40. Average age of class is 16 years. A boy of 17 years. Average class की 16 years दे रखी है. A boy of 27 years of age replaced by other. इसने क्या करा है? 27 years को हटा के कोई नया ऐड कर दिया. ठीक है? As a result of age becomes 15.875. अब देखो यहाँ पे भी आपके पास नंबर कम नहीं हो रहा है, नंबर 40 ही है, नंबर कितना है 40 ही, ठीक है, अब आप ये देख लो कि कितना जो है आपके पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसका मतलब जो ये एड हो रहा है बॉयज इसका तो एड होगा, ये तो एड होगा, अब पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहां पर अपने पास ले रहे थे, यहाँ पर रिमूव कर, ठीक है, इसका मतलब 15.875, इसका मतलब एवरेज का डिफरेंस कितना आ गया 16 में से माइनस करोगे तो 0.125, ये नंबर तो सेम ही है 40 सेम, तो इतना तो आपके पास क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये आपके पास डिक्रीज हो रहा है, और एड कितना हो रहा है 17 ईयर्स को अपन एड कर, तो ये आपके पास एड हो रहा है, तो ये तो प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये अपन इसको माइनस में ले लेते हैं, तो 17 माइनस को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 40 से 50, तो ये आपके पास आएगा 500, तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो न्यू बॉय की जो एज है वो कितनी होगी 12 ईयर, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो एवरेज है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एवरेज आपका डिक्रीज हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा था ये देखो एवरेज आपका इंक्रीज हो रहा था, इस बात को ध्यान में रखना, तब मैंने यहाँ पे प्लस किया था, बस यहाँ पे क्या हो रहा है एवरेज जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, क्या माइनस आएगा, ठीक है, इतने का आपके पास लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस कितने का है 5 को हुआ और प्रॉफिट कितने का हुआ 17 का, ठीक है, तो 8 कितना हुआ 17 और माइनस कितना हुआ 5, तो कितना एज हो जाएगा 12 ईयर, एनी डाउट, वेरी गुड बंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज डिक्रीज बाई 2 मंथ व्हेन, कंडीशन दे रखिए, 2 प्लेयर्स एज ऑफ 17 ईयर्स एंड 20 ईयर्स आर रिप्लेस बाई 2 न्यू, इसका मतलब 20 और 17 ईयर्स के 2 प्लेयर्स को मैंने रिमूव किया है, 2 नए प्लेयर्स हैं, राइट, तो आपके पास नंबर जो है सेम है, नंबर आपके पास 11 ही है, ठीक है, तो आपके पास जितना लॉस हो रहा है
और जितना पूछा एवरेज, ठीक है, तो जितना लॉस हो रहा है उसका माइनस कर दो, जितना ऐड हो रहा है उसका प्लस कर दो, और डिवाइड कर दो किससे, दो से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि दो को ऐड कर रहे हैं, दो को प्लस कर रहे हैं, दो का ही आपके पास डिफरेंस आ रहा है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है वो आप देख लो, ठीक है, 20 and 17 years, ये तो आपके पास प्लस हो रहा है, ठीक है, कितना हो गया 37 years, माइनस कितना हो रहा है आपके पास 2 मंथ का डिक्रीमेंट, 2 मंथ का डिक्रीमेंट कितने प्लेयर्स पे है, 11 प्लेयर्स पे है, क्या मतलब टोटल डिक्रीमेंट कितना हो गया 22 मंथ्स का, ये आपके पास डिक्रीमेंट है। अब मंथ्स में से डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं सकता, ये ईयर है, तो इसको आप ईयर में चेंज कर दो, तो एक ईयर और इसको क्या ले सकते हैं अपन 10 मंथ्स, ठीक है, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 year और 10 मंथ इसमें माइनस कर दो और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। तो इस आपके पास 37 में से एक बार आप 2 माइनस कर दो, क्योंकि 2 मंथ्स एक बार के लिए मैं माइनस हटा देता हूँ, ठीक है, कितना आ जाएगा 35 और 2 मंथ आपके पास ये रुक जाएगा। कैसे मैंने माइनस किया, मैंने इसको 2 साल मान लिया है, तो 37 में से 2 साल माइनस करूँगा 35 हो गया, और 2 का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा मंथ्स का एंड डिवाइड बाई 2, तो इसको माइनस करोगे तो इसका आप लिख सकते हो 34.5 years, इसको चेंज कर दो एक बार मंथ्स पे 34 ईयर इसको आप लिख सकते हो, और 12 मंथ्स इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14 मंथ एंड डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 17 years and 7 months, आंसर में नहीं आ रहा, तो ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, है ऑप्शन ऑप्शन बी आपके पास हो जाएगा 17 years 7 months, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर और मंथ को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ईयर और मंथ किस तरीके से आप माइनस करते हो, तो माइनस करने के लिए पहले आपको मंथ्स को आपको ईयर में चेंज करना है और फिर आपको क्या करना है डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा 17 years 7 months, वेरी गुड। एवरेज एज ऑफ 30 boys इज 15 years, कितना एवरेज है 15 years, राइट, ए बॉय विथ एज ऑफ 20 years लीव्स द क्लास एंड रिप्लेस बाय 2 new boys। अब देखो इसमें एक आप रिमूव कर रहे हो और एक आपने रिमूव किया, नाउ द एवरेज एज इज स्टिल 15 years, वापिस से वही एज आपके पास आ गई, तो डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ न्यू बॉयज इज 5 years, डिफरेंस भी आपको दे रखा है 5 years का, ठीक है, एंड फाइंड द एवरेज ऑफ यंगर बॉयज। देखो क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा फिरा रखा है, कैसे घुमाया इसने, तो ये आपके पास सिंपली दे रखा है कि 30 boys थे, 15 इसकी एवरेज है, तो टोटल सम कितना हो गया 13 to 15, कि कौन से एज इसे माइनस कर रहा है, एक ये 20 ईयर्स का जो है वो छोड़ के जा रहा है, लीव कर रहा है, तो 20 मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ पे 2 boys को ऐड कर रहा है। अब इसने दो सपोज यहाँ पर 2 boys हैं, बॉयज फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और इनके बीच में जो डिफरेंस दे रखा है 5 years का, तो एज को मैं x मान लेता हूँ, एक को x प्लस 5 मान लेता हूँ, कि 2 का डिफरेंस है, सॉरी 5 का डिफरेंस है, तो x प्लस 5, तो यहाँ पर 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, एक तो x और एक x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है कि एवरेज सेम है, ठीक है, कितना है 15, बट यहाँ पे नंबर देखो चेंज हो गया, पहले कितना था 30 था, फिर मैंने एक को माइनस किया और दो नंबर जो है दो बॉय को ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 30, तो ये देखो नंबर आपके पास चेंज हो गया, एक आपने माइनस किया छोड़ के जा रहे, दो को ऐड किया, नंबर कितने हो गए, इसको इक्वेट कर दो, तो सिंपल से आपके पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 450, तो 450, या फिर इसको माइनस कर लो, 15 है, इसको इधर ले जाओ, माइनस 20 प्लस 2x प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 into 5, कितना हो जाएगा 50, फिर 31 में से माइनस करोगे 30 को तो 1 आएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और 15 कितना आ जाएगा 30, तो x कितना आएगा कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, सही है, एक्स कितना जाएगा 15, तो आंसर क्या होगा 15, ठीक है। तो इसने बस इतने क्या किया है, थोड़ा क्वेश्चन को लंबा बना दिया, तो जो क्वेश्चन वो कहना चाह रहा है वो मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस कर दिया, राइट, और टोटल रेज के इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 15 years।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, द एवरेज एज ऑफ कंजुगेटिव ओड नंबर। अब यहाँ देखो यार, नंबर की बात कर रहा है, कुछ ओड नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। द एवरेज एफ ओ एज ऑफ फाइव कंजुगेटिव ओड नंबर, मतलब जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से बात कर रहा है, सारे ओड नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। ए बी सी डी ई इज 45, ठीक है। वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझना कि अगर आपके पास इवन नंबर है तो उनका जो एवरेज जो है वो ओड बनेगा, ठीक है। इवन नंबर का ओड बनेगा और ओड नंबर का इवन बनेगा। मैं कैसे बता रहा हूँ इसको समझना अच्छे से। जैसे यहाँ पर 5 ओड नंबर है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि 5 ओड नंबर मैं लेता हूँ, सपोज मान लो कोई भी लेता हूँ एक बार के लिए, 1, 3, 5, 7, ठीक है। इनका एवरेज देखो कितना आ रहा है, 1, 3 कितना हो गया, 4, ठीक है। 1, 3, 4, 4 और 5, 9, 9, 7, 16, 9, 25, 25 को डिवाइड करो 25 से, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कितने थे, 5 नंबर थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कितने नंबर हो गए, 5 नंबर एंड एवरेज की तरफ 5। हाँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। अगर आपके पास ओड नंबर है, इसको समझना अच्छे से, अगर आपके पास ओड नंबर है तो ओड नंबर के अंदर जो मिडिल वाला नंबर होगा, मिडिल वाला नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर, तो वो ही उसका एवरेज होगा, ठीक है। अगर आपके पास ओड नंबर है और मिडिल वाला नंबर जो है वो ही आपके पास एवरेज होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में समझते हैं, पहले इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 कंजुगेटिव ओड नंबर है, इसको समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये मान लेते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो मिडिल नंबर है, 5 ओड नंबर है, इनका एवरेज क्या है, 45। इसका मतलब जो थर्ड नंबर है वही क्या होगा, 45 होगा। इतना समझ में आ गया आपको, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है। अगर आपके पास ओड नंबर है और अगर आपके पास जो ओड नंबर का एवरेज और ये भी ओड नंबर है, ठीक है, तो उनका जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा, ठीक है। तो मिडिल नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कितना होगा, 47 कंजुगेटिव है तो 47 होगा, ये 49 होगा, ये 43 होगा, 41। इतना आपको पता चल गया। अगर आपको पूछ रहा है ये क्या नंबर है, ए है, ये बी है, सी ए डी, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लिया, ए बी सी डी ले, ठीक है। और ये पूछ रखा है बी ओ डी का प्रोडक्ट, तो बी और डी का प्रोडक्ट मतलब 43 × 43, तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 3 का प्रोडक्ट आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 7 और 3 का जो हमारा 1 आ रहा है, ऑप्शन ए की है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हो आपका आंसर कितना होगा। तो यहाँ पर एक समझने की जरूरत है, अगर आपके पास ओड नंबर है और ओड नंबर का आप कंजुगेटिव ओड नंबर का आप एवरेज निकाल रहे हो तो आपको मिडिल नंबर आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। इसी तरीके से अपन इवन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। इवन नंबर में क्या मिलेगा कि इवन नंबर में जो मिडिल के दो नंबर हैं उनका एवरेज मिलेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एवरेज ऑफ 6 कंजुगेटिव ओड नंबर, अगर आपके पास ये जो है इवन नंबर है, समझना इसको, अगर ये इवन जो आपको दे रखा है 6 कंजुगेटिव ओड नंबर इज 50 एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसको समझाने के लिए इनका जो एवरेज जो है वो दोनों मिडिल का, क्योंकि मिडिल नंबर तो हो नहीं सकता है, तो दोनों जो मिडिल नंबर हैं उनका एवरेज होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 6 नंबर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, ठीक है। तो अब आपके पास 50 दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों का एवरेज 50 होगा, तो इन दोनों का जो मिडिल नंबर है वो 50 होगा, न इसका होगा न इसका होगा। कंजुगेटिव है, इसका मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा, 49, नंबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। वहां तो ओड नंबर था तो ओड नंबर का आपके पास आ गया, बट यहाँ पर आपके इसके पर्टिकुलर इनका मिडिल नंबर होगा या फिर इन दोनों का एवरेज होगा, ठीक है। ये तो फिर ये कितना हो जाएगा, 47, 45, कितना हो जाएगा, 53, कंजुगेटिव है, ओड नंबर है तो 54, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, 54। तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर लो, आंसर क्या होगा, 55 होगा।
इसको 50 फिफ्थ ऑप्शन और कर लो 55, ठीक है, आंसर क्या होगा 55, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि अगर आपके पास ओड नंबर, कंजुगेटिव ओड नंबर का एवरेज रखता है, और अगर आपके पास ये ओड नंबर आ रहा है, दिस इज नंबर इज ओड, तो आपके पास जो मिडिल वाला नंबर है वही आपका एवरेज होगा, ठीक है, मिडिल नंबर आपके पास एवरेज होगा। बट अगर आपके पास ये इवन नंबर आ रहा है तो आपके पास दोनों जो मिडिल नंबर है उनका एवरेज होगा, या फिर उनके मिडिल वाला नंबर होगा, ठीक है। तो इनका मिडिल नंबर वाला 50 है तो आपके पास ये 41 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ, ये क्वेश्चन अब आपको करना है, द एवरेज एज ऑफ, एवरेज ऑफ सिक्स कंजुगेटिव इवन नंबर, इतना नंबर है सिक्स है, ठीक है, इवन नंबर इज 25, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, ठीक है। तो अगर आपके पास सिक्स नंबर है तो फर्स्ट, सेकेंड बता देता हूँ मैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। सिक्स नंबर है तो सिक्स नंबर का मतलब 25 एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो 25 का मतलब है अब इवन है, ये मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, ये आपके पास 25 है। इसका मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा 24, ये नंबर कितना हो जाएगा 25। तो कंजुगेटिव इवन नंबर आपके पास हो जाएंगे 23, 30, 22। आपको क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 20, लार्जेस्ट कितना है 30, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना रहा है 10, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज 10, ठीक है, बिल्कुल बंटी सही है, कितना डिफरेंस आएगा 10 आएगा। मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो बताना चाह रहा था कि ऑलवेज अगर आपके पास कंजुकेटिव नंबर अगर इवन जो है, कंजुगेटिव नंबर अगर इवन है, ये देखो आपको इवन दिख रहा है, ठीक है, इवन नंबर, तो आपके पास जो एवरेज बनेगा वो ओड बनेगा, ये वो एवरेज जो है ओड बनेगा, ठीक है। माइक किसका ऑन है, माइक के ऊपर ऑफ कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इवन नंबर का जो एवरेज बन रहा है वो ओड बन रहा है, ठीक है। और जो ओड नंबर है, यहाँ पे कौन सा है, इवन नंबर, राइट, तो ओड नंबर का हमेशा जो एवरेज बनेगा वो इवन बनेगा, ये तो 50 देखो इवन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओड नंबर का ऑलवेज क्या बनेगा, एवरेज इवन, और ऑलवेज इवन नंबर का जो एवरेज बनेगा वो हमेशा ओड बनेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ऑलवेज। बाकी क्वेश्चन जो है आप इजीली आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आप देख सकते हो, एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 40 एंड फर्स्ट ऑफ देम इज 2 times ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड इज 3 times ऑफ थर्ड, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। तो ये आप कर सकते हो इजीली, दो तीन नंबर समझ मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो रिलेशन आपको फर्स्ट से सेकेंड दे रखा है, सेकेंड से थर्ड दे रखा है, तो आप थर्ड नंबर को मान लो, उल्टा रिलेशन देखा तो आप फर्स्ट को मानते, आप थर्ड को मान लो, कोई भी मान लो, एक्स से कर सकते हैं अपन, वन से भी कर सकते हैं, वन मान लो, अगर थर्ड नंबर सपोज वन है तो सेकेंड इज 3 times ऑफ थर्ड, तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, एंड फर्स्ट नंबर इज 2 times ऑफ सेकेंड, इसका 2 times कितना बन जाएगा 6 बन गया, ठीक है। अब आपके पास दे रखा है एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 40, एवरेज मतलब इन तीनों का एवरेज, इन तीनों का सम कितना हो गया 363, 9 और 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 into 3, एवरेज दे रखा है मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और पूछा क्या है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट तो आपका 6 हो गया, स्मॉलेस्ट 1 हो गया,
तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 नेट। तो 5 नेट की वैल्यू कितनी होगी, 1 नेट की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो 12 × 5 कितना हो गया, 60। तो डिफरेंस कितना आएगा, 60। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं।